पनवा खैले के मनवा खिलैले मखमली कुर्ते पे छीट तू लगैले। भाई कहते रियल प्रिंस पान प्लीज स्टैंड अप। कितने सारे प्रिंस पान है भाई यहाँ पे? हमें क्रू ने बोला कि प्रिंस पान कॉर्नर जाओ और वहाँ जो मिल रहा खाओ, लेकिन पान समझ में आता पान, बट यहाँ पे सिर्फ पान नहीं मिलता, यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है। यहाँ पे जलपान मिलता है, यहाँ पे चाट मिलता है, यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है। जो चीज मिलती है हम उसे एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ये एक पेट कोलैबोरेशन है दोस्त, तो इसको सीरियसली लिया जाए और एक्सप्लोर किया जाए। चलो सॉरी गाइस, हमें इंट्रो में बताना था कि ये जीके में पड़ता है, एम ब्लॉक मार्केट में, प्रिंस पान। जी हां, ये काफी फेमस है ऑल ओवर जीके, तो हमने बता दिया, अब हम खाएंगे। अब चलो जी हां, लेट्स गो। सर यहां पान नहीं मिलता, यहां चाट मिलता है। तो एक्चुअली यहां पे चार अलग अलग दुकानें हैं प्रिंस पान की, एंड देयर इज अ लिटिल फाइट गोइंग ऑन कि इसे रियल कौन है। ऊपर लिखा हुआ है ये 1965 से है। हां, तो आई ट्रस्ट दिस गाय मोर, दैट्स ट्रू। एक्चुअली वहां पे अंकल की फोटो भी नहीं है, 1965 से भी नहीं लिखा हुआ। That makes sense. ये legit है guys. Yeah. Let's have chaat first and पान खाएंगे हम बाद में। चल। यार अभी हम लोग शुरू नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत भीड़ है और हमारा चांस अभी आने में बहुत टाइम लग रहा है। सर अंदर खड़ा हो सकता हूँ 5 मिनट? कितने का है गोलगप्पा? Thank God हमारे पास कैमरा है, इसलिए हमें थोड़ी सी जगह दे दी गई है। 40 रुपए का चार। मैं एक्चुअली गोलगप्पे का प्राइस पूछ रहा था। 40 रुपए के चार गोलगप्पे मिलते हैं यहाँ पर, और अलग अलग फ्लेवर के मिलते हैं। 40 रुपए के चार? 40 रुपए के चार। अभी महंगे है भाई, हाइजीन वाला नाटक शाटक मुझसे नहीं होता। 7 दिन ना नहाओ बेबी, मेरी मर्जी। ओ माय गॉड, यहाँ पर लोग ग्लव्स पहन के दे रहे हैं भाई। क्या हाइजीन के यार? अच्छा सॉरी, मजा तो आता है, नाखून के अंदर मैल होते ना वो जब पड़ते हैं, वही तो असली टेस्ट होता है। ये प्रिंस पान में हम लोग गोलगप्पे खाना शुरू कर रहे हैं। ले भाई तू खा ले। थैंक यू थैंक यू। आटे का वैसे बात मेरे को चलेगा, आटा सूजी मेरे को समझ ही नहीं आता। खाना तो वैसे मेन पानी है। एग्जैक्टली लाइक एवरी गोलगप्पा आई एवर हैड। खाएगा भैया? इसको चाट नहीं, इसको चाटे दे दो प्लीज। यहाँ पर ना गोलगप्पे बोलते हैं यार, हमारे लखनऊ में ना बताशे बोलते हैं। हर जगह अलग अलग चीजें बोलते हैं बेसिकली। लखनऊ को गोलगप्पे खाओ तुम, उसमें मटर यूज होती है। जो दिल्ली में छोले कुलचे के साथ वाली जो मटर होती है ना, व्हाइट वाली, वो वाली मटर यूज होती है। हो गया? जब हो जाए तो बता दीजिएगा। यार सूखी पापड़ी खानी है। सूखी पापड़ी दे रहे हैं आप सर? देना पड़ेगा भाई, ये ऑब्वियसली हक बनता है। रिचुअल है, रिचुअल है। यस यस, दे रहे हैं ना सर? अभी तक वेट हो रहा है, सस्पेंस बना रहे हैं। अशोक चक्र के जो 3 शेर हैं वो भी यही बोलता है। दो तीन क्यों है? क्योंकि ज्यादा पापड़ी का वेट कर रहा है। सूखी पापड़ी आ गई। ऐसा होता है सूखी पापड़ी अगर नहीं खाई भाई? ऐसा तो यूजुअली नहीं होता, बट यहाँ पे ऐसा होता है, विच इज ग्रेट। सूखी पापड़ी विद मीठा गाइस द बेस्ट। अच्छा ये पालक पत्ता है, ये पालक पत्ते की पापड़ी चाट बनाते हैं बढ़िया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ पे, आपको क्वांटिटी से दिख रहा होगा। एंड आई लव पालक। I hate पालक bro. Why? पालक पनीर bro. Thank you. Thank you so much. Thank you so much guys. Have a good day. You're doing good. Thank you so much. The content is really nice. Bye guys. Bye bye. यार कभी कभार इतना प्यार मिलता है ना आप लोगों से, प्यार से पेट भर जाता है, बट फिर भी हम ये खाते रहेंगे क्योंकि इससे और प्यार मिलेगा। ये है स्पेशल पालक पापड़ी चाट। जी हाँ, सबसे ज्यादा फेमस यहाँ पे यही है, आपको वहाँ पे ढेर दिख रहा होगा पापड़ी का, पालक पापड़ी का। एक बार ट्राई करके देखते देखते कैसा लगता है। एक्चुअली मैंने कभी खाया नहीं है ये। ये तुम भी पहली बार खा रहे होगे मेरे ख्याल से? हाँ, ये मैं पहली बार ही खा रहा हूँ, क्योंकि चाट खाने जाता हूँ तो पालक वालक नहीं सोचता मैं, आलू टिक्की की चाट प्रेफर करता हूँ। पालक पापड़ी चाट थोड़ी कुरकुरी है और फ्लेवर वही दे रही है चाट का, थोड़ा सा पालक, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा बाकी सारी चीजें थोड़ी थोड़ी मिल मिल के केमिकल एग्स बन जा रहा है। वेरी नाइस, इट्स रियली गुड, यू गाइस शुड ट्राई इट आउट। मुझे नहीं लगता ये और कहीं ऐसे इन जनरल मिलता है, यहाँ पे फेमस है क्योंकि यही पे ज्यादा मिलता है। एंड प्रिंस पान ऑल्सो आई डोंट थिंक आउटसाइड दिल्ली इतना ज्यादा फेमस है, तो आप अगर आए हो दिल्ली में भी बहुत सारी अलग अलग लोकेशंस में है, इट्स बीन हियर सिंस 1965 एज इट क्लेम्स, तो अगर आप यहाँ पे आए हो तो ये तो जरूर ट्राई करो, क्योंकि यहाँ पे जो मेजॉरिटी भीड़ लगी है ना वो इसी चीज़ के लिए लगी है। चीटियाँ खा रही है भाई मेरे को। चलो ठीक है, नेक्स्ट वाले में बढ़ते हैं। ओके, क्या मैं इतना मीठा हूँ? आलू टिक्की कह रहे हैं बहुत फेमस है यहाँ पे, तो आप आलू टिक्की चाट लगा दीजिए जल्दी से, बढ़िया सी। ये आ गया है तीसरे आइटम, ये है आलू चाट। आलू चाट, अच्छा ये साथ में पपड़ी भी दी है। यूजुअली इसको पापड़ी के साथ खाते हैं आलू चाट को। एक मिनट, कहा
हाँ मेरे चम्मच से खा ले, अपने चम्मच से भी खा ले। आलू टिक्की चाट बहुत सही लगता है, कहीं पे भी मिले ना ट्राई जरूर कर लेता हूँ। लखनऊ में बहुत एक फेमस है किंग चाट कॉर्नर और शुक्ला चाट कॉर्नर, मेरा वो फेवरेट गो टू चाट कॉर्नर है। मेरे को यूजुअली हर जगह का आलू चाट पसंद नहीं आता, यहाँ का काफी अच्छा लग रहा है। दिस वन इज नाइस, इज जस्ट दैट ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, मतलब इतना वो नहीं है, क्रंची नहीं है, क्रिस्पी नहीं है, क्रिस्पी नहीं है। उसके लिए उन्होंने ये दिया पापड़ी, ये खाओ क्रिस्पी हो जाएगा सब कुछ मामला तुम्हारा। पालक पत्ता चाट से कंपेयर किया जाए तो ये मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है, एक्चुअली टेस्ट वाइज ज्यादा अच्छा है, बट हाँ वो क्रंची अगर होता ना थोड़ा सा ये ज्यादा मजा आता क्योंकि टिक्की है। नेक्स्ट इज दिस बड़ा सा गोला, दिस इज राज कचौड़ी, ऑफ कोर्स क्योंकि ये कचौड़ी इसका राजा है। साइज आप देख सकते हैं, वाह। अगर मैं डेट पे जाऊं और चाट खाने जाऊं, मैं इन तीनों चीजों में से आलू टिक्की चाट प्रेफर करूंगा। मैं भी, मैंने इसकी ज्यादा तारीफ कर दी है, ये थोड़ा फैल जाता है तब मुझे पसंद नहीं आता यार। सही में, और ये हमेशा फैलता है, ये छिछा रहता है, मेरे को पसंद नहीं है किसी भी चाट खाने में। तो ये खा लिया हमने, मेरा और खाने का मन नहीं कर रहा भाई। चार चीजें खा ली है, मेरे ख्याल से कुछ पीने के लिए ले लेते हैं, अभी ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, कंटिन्यूअसली खाना नहीं चाहिए, ये बुक्ड वीडियो नहीं है। ठीक है यार, कुछ पीने के लिए कुछ दे दो, पी मटर कुलचा एंड पाव भाजी प्लीज। यार ये क्या कर रहे हो यार, इसीलिए तो आए थे भाई, ये बुक्ड बनाया था तो हमें क्यों नहीं बताया कि ये बुक्ड वीडियो है। यहाँ पे पीने का भी बहुत कुछ मिलता है, चलो चलो जल्दी जल्दी कर, ठीक है ट्राई करते हैं। तो ये देखने में क्या लग रहा है, ये है छोले कुलचे और ये क्या लग रहा है, ये पाव भाजी। एक काम करना तुम ही खाओ, मुझे काफी अच्छा लगा, ये भाई रेकमेंडेड है सब लोग खा लेने से। और जी बताओ, पाव भाजी इतना सही नहीं है, पाव भाजी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये काफी अच्छा है, ये काफी अच्छा है। अगर आप यहाँ पे आओ तो पाव भाजी के लिए बताओ इसके लिए, ज्यादा तेज नहीं बोल सकता गाइस मैं क्योंकि वहीं पे है। तो इट्स ओके यार, हर चीज है कि हर चीज अच्छी नहीं हो सकती, इसलिए एक बार आप भी खा के देखो आपको अच्छा लग जाएगा। क्या बताओ भैया, बहुत मेर से लग रही है, कुछ बढ़िया सी ड्रिंक पिला दीजिए। मैंने सुना है यहाँ पे खस शरबत बहुत फेमस है। एक काम करो, मैं खस लेता हूँ, तुम ये लो। क्यों? क्योंकि खस मेरे को पसंद है यार, खाने के बीच बीच में कुछ पीते रहना चाहिए। वो भैया ऐसा लग रहा है पान पी रहा हूँ मैं, नहीं रूह अफ़ज़ा, सॉरी रूह अफ़ज़ा पान। रूह अफ़ज़ा और पान बहुत अलग अलग होते हैं विश्वास, ये एक्चुअली खस है और ये जलजीरा और खस मिला दिया एक तरीके से, ऐसा लग रहा है दोनों ही कितना सही है, कितने रिफ्रेशिंग है भाई। तेरे को ये अच्छा लग रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि खस का शरबत की तरह होना चाहिए, ये थोड़ा जलजीरा जैसा लग रहा है मेरे को, मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। आई नो, तो वापस करो इसे। नहीं एक ही से पी, खस का शरबत उसको दे दो, क्रू को सत्ते में दे दो। अरे भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो भाई, बहुत सही है यार भाई, जीके में हो कहीं पे भी हो हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ये कौन सा था भैया, लाल वाला क्या था, ये रोज शरबत था भाई साहब, रोज मेरे को बहुत पसंद है, बेसिकली रोज का टेस्ट था इसमें, बट इसको और एक्सेंचुएट और बेटर कर दिया। वैसे चलो हम लोगों ने पी लिया, खत्म कर लिया, ये हम लोग इग्नोर कर रहे हैं जानबूझ के। क्या हुआ, पिछली बार जो स्मूथ ले रहे थे तुम रोज शरबत को, उससे कुछ गड़बड़ लग रही है, बहुत ज्यादा पी लिया भाई। ये कैसा है भाई, बड़ा है ये, कैसा बड़ा है ये, बड़ा पाव एक बड़ा होता है वो होता है, थोड़ा अलग दिख रहा है, खा के देखते हैं। मतलब नॉट अ फैन ऑफ द वे इट लुक्स, एंड बट दिस इज राम लड्डू, किसी की कड़ी में से बड़े निकाल दिए, ये मेरे टाइप के नहीं है, ये बहुत खट्टा है। थोड़ी सी मिर्ची खा लो, ये इससे भोकाल दिखा रहा है, ये मिर्ची बेटा बचपन से खाता आया हूँ मैं, कान में डाल लो सर, खाओ 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 खाओ, एक और खाएगा, भोकाल ना दिखाना, एक और एक और। ये क्या क्या ईगो है ये, क्या भाई तुम्हारे आंख से पानी, तुम्हारे मुंह से धुआं क्यों निकल रहा है, मिर्ची में बहुत मिर्ची लगी क्या, मैं चटनी भी नहीं खा सकता टेस्ट चेंज करने के लिए। एक मिनट टेस्ट तो करे इसे, ये तू टेस्ट कर ले, मेरा हो गया क्यों भाई, मैंने टेस्ट मैंने ऐसी चीज टेस्ट कर ली जो लोग अवॉइड करते। तुम तो कह रहे थे मिर्ची बहुत खाते हो तुम बचपन से, जाओ यार भाई, ये आलू बहुत मिर्चीदार है यार, इससे ज्यादा मिर्ची लग रही है इसमें, तो हर चीज में मिर्ची लग रही होगी तुम्हें, और खाओ मिर्ची भाई, ये जैसा भी है अच्छा है, बढ़िया, बड़ा पाव नहीं है ये, बड़ा पाव नहीं है सॉरी। देखो गुरु बहुत हो गया, मैंने खाई है मिर्ची, अब पान तो खाना बहुत जरूरी है, मीठा वो भी, मीठा वो भी, तो शुरू करते हैं मीठा पान से प्लीज। फाइनली प्रिंस पान में हम पान के सेगमेंट में पहुंच गए जिसके लिए हमने ये वीडियो किया, एग्जैक्टली ये हम लोगों ने अग्नि परीक्षा से निकल गए, अब हम लोग पान खाएंगे, ये है मीठा पान, ये है आइस पान, विदाउट एनी फर्दर अडू खाते भाई। ओ भाई इसके अंदर आइस का गोला निकल गया, कौसम जल्दी खा जल्दी खा जल्दी खा, एक ही बारी में खाना होता है क्या, और क्या भाई, मैंने सिर्फ फायर पान खाया आज तक, उसके अलावा कुछ नहीं खाया। ओके आई ऑल्सो हैव इट इन वन गो, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हैविंग पान,
which was not forced into my mouth. What the fuck, bro? What the fuck? Not my thing, bhai. Oh my god, ab mere ko khane ka man nahi kar raha hai. Aise log hai bhai, kahin le jane layak nahi hai ye log. Fek do. पूरा आइस का गोला मेरे मुंह के दांतों के बीच में आ गया था, पूरा सर बनाने लग गया था, मेरी मजबूरी थी, मैं बाहर निकालना पड़ा. आई एम सॉरी, मैं ऐसा किया नहीं मैंने आज तक कभी. मीठा पान इज रियली गुड यार, मेरे को मीठा पान खाना चाहिए था यार. ये आइस पान पता नहीं, मैंने शायद पहली बार खाया है. और भाई ये तो पहले पान थे जो हमने खाए थे, अभी और भी पान है. ये पान की शुरुआत ही ऐसी हुई है प्रिंस पान. या तो मैंने गलत तरीके से खा लिया भाई, पता नहीं कौस्तुभ को पहला पान कौन सा खिला दिया आपने. इससे स्टार्ट करना चाहिए था. इनकी शक्लें देखो, दिस इज किटकैट पान, अ फॉर्म ऑफ चॉकलेट पान. मैंगो पान, दिस इज मैंगो पान. ये भी एक चॉकलेट पान है, ऊपर से इसको मैंगो डाल के, सिरप डाल के इसको फ्रीज किया है, और बड़ा स्पेशल पान है ये मेरे ख्याल से. अच्छा, ऊपर से धोखा था भाई, इधर से देखो, इधर से पान है पूरा, ऊपर से अच्छा, तूने पान निकाल लिया. मेरा पान निकल रहा नहीं है. तेरा निकल नहीं रहा क्या? अब निकला. मैं निकाल लेता हूँ यार थोड़ा सा. चलो खाते यार. एक बात बता, सारे पान के एक ही बार में खाने होते? हाँ, एक ही बार में खाने होते भैया. क्यों? अरे पान का ये रूल है. ये किसने बनाया? अमिताभ बच्चन भाई के पान बनारस वाला ऐसे करता है. अच्छा, खुला खुला कौस्तुभ, खुला तुम्हारा बंद अकल का ताला. है अच्छा है क्या? बहुत बहुत ही बेकार, बहुत ही घटिया, बिल्कुल मजा नहीं आया. नहीं, बहुत अच्छा है, मजाक कर रहा हूँ. बहुत बढ़िया. आप लोग खाने के बाद आम खाते हो स्वीट डिश में या पान खाते हो? मैंने दोनों खा लिया. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया सर. प्रिंस भाई सच्चे प्रिंस निकले. तूने खाया था आम पान पहले? नहीं भाई. ये केजरीवाल का फेवरेट पान है. मुझे यहाँ कैटरीना का उसका भी. ये एक नया पान आ गया. ये है गुंडी पान, नॉट गुंडा, गुंडी पान. गुंडी पान ओके. एक नहीं है ये, इसमें है चार छोटे छोटे पान. काफी फेमिनिस्ट पान, क्योंकि गुंडा नहीं गुंडी है. लेट्स हैव द फेमिनिस्ट पान. एक मैं कौस्तुभ को खिलाऊंगा, एक खाएंगे खुद. अच्छा पान है, काफी ठंडा. गुंडी पान आपके लिए. ये बहुत अच्छा मुझे इसलिए लगा क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है. अब हम खाने जा रहे हैं, ये खाएगा? बिल्कुल, तुम अगर खिलाओ. हाँ, और आधा. ये है कच्चा, ये है जर्रा वाला, ये देख सकते हैं लाल लाल. ये है अमिताभ बच्चन वाला पान. तो भाई साहब, आज हमने खाए पान बढ़िया वाले, तरह तरह के. बहुत ही अच्छा पान था. मैं एक और खा के आया अभी. बहुत ही मजा आया. अब आ गई हमारी ओरियो पान खाने की. ओरियो का भी पान होता है, ये मुझे आज पता चला भाई. ओरियो ही लग रहा था, ये पान तो लग ही नहीं रहा था. बट यार आप देखेंगे इसके अंदर, हाथ कांप रहे हैं मेरे, जर्दा बहुत ज्यादा हो गया था लास्ट पान में शायद. बहुत सही लग रहा है. बट ओरियो के बारे में आपको क्या पता? यही पता ना, ओरियो कैसे खाते हैं आपको पता है. दिस इज द मोस्ट क्रेजी कॉम्बिनेशन एवर. टूट रहा है भाई ये तो. ओरियो एंड पान, ये तुम ही खाओ, मैं तब तक स्ट्रॉबेरी पान खाता हूँ. अच्छा, सब खा लिया? थोड़ा तो गिला देता, कोई बात नहीं. मेरे पास स्ट्रॉबेरी पान है, मैं ये खाता हूँ. बंद अकल के ताले खुल गए मेरे. बिस्किट पान था ये, ओरियो के अंदर पान. ये काफी मीठा पान, स्ट्रॉबेरी से भरा हुआ है, लेकिन इसके अंदर मिंट का बहुत ज्यादा फ्लेवर आ रहा है. ओरियो पान मेरे को एक्चुअली बाकी चॉकलेट पान से बहुत सही लगा, क्योंकि बाकी चॉकलेट पान में चॉकलेट की मात्रा बहुत ज्यादा थी, पान की कम थी. This was equal chocolate, equal biscuit, equal pan. Bam! That's why I love working at OK Tested, because we get to test so many things and you get to test and watch it with us. अभी तक अगर आपने subscribe नहीं किया है तो press that red button and make it grey. तो ये है ठंडाई, आपने सुना ही होगा, बट आपने ये नहीं, इसका नाम नहीं सुना होगा. क्या कहते हैं? ये है मुफर्रा. मुफर्रा ये. मुफर्रा कानपुर के लोगों ने जरूर सुना होगा, कानपुर में ये थोड़ा फेमस है. तो फिर हम अभी ट्राई करते हैं मुफर्रा और ठंडाई. Just like ठंडा है. ओ ठंडा ठंडाई. ये कैसा भाई? ये जो पान, इतने सारे पान के फ्लेवर खाए ना, उसके बाद मिक्स हो गया है सब कुछ. देखा, समझ नहीं आया, लेकिन जो भी कहो अच्छा है यार. ये बहुत अच्छा लग रहा है. This is so good. क्या ही है? सारे मुफर्रे खुल गए ना. सारे मुफर्रे खुल गए मेरे भाई. मुफर्रा के सामने तो ठंडाई वंडाई कुछ नहीं लग रही है. मुफर्रा में आपका चंदन होता है, केवड़ा होता है, गुलाब होता है, इन सबका मिक्सचर होता है. बहुत सारे आई थिंक एक और चीज मिस कर रहे हो तुम, जो होता है इसमें फॉर श्योर, प्रिंस पान का प्यार. अच्छा शरबत है, अब भी ट्राई करिए. तूने और ले लिया? वही मैं सोचूं इतने से इतना कैसे हो गया. वेरी नाइस.
यूजली खाने के बाद लोग पान और ये सारी चीजें खाते हैं, हमने सिर्फ पान और इन चीजों से पेट भर लिया है। क्योंकि क्यों ना करें, क्योंकि हम लोग हर चीज ट्राई करते हैं, तो इसलिए हमने सोचा प्रिंस पान कॉर्नर पर जाते हैं और सारी चीजें ट्राई करते हैं। एग्जैक्टली हमने वही किया, बहुत मजा आया। आई होप आप लोग को भी बहुत मजा आया हो। तुम्हें वैसे क्या पसंद आया सबसे ज्यादा? भाई वो मैं तीसरा ग्लास पी रहा हूँ, ये मुफर्रा। मेरे को भी यही पसंद है, मुफर्रा का शरबत। बस वो जो बर्फ वाला जो पान था, कौन सा था, एवलांच पान, उससे थोड़ा समझ गया, क्योंकि वो मेरे एक्सपीरियंस काफी बेकार था उसके साथ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पान खाया मैंने थूक दिया। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, और प्रिंस पान सिर्फ यहाँ पे नहीं, बहुत सारी जगहों पे है, वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं आप। ड्रिंक्स में मुफर्रा जरूर ट्राई करिएगा। Dude, did you know we spent 2,000 in this entire video? ₹2,000 हम लोगों ने खर्च कर दिए प्रिंस पान कॉर्नर पे। जितने भी टाइप के हम लोग वीडियो करते हैं, सबसे काफी डिफरेंट था ये वीडियो, क्योंकि पान हम लोगों ने किसी वीडियो में नहीं खाया यार। इस वाले वीडियो में खाया सिर्फ आप लोगों के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको करिए लाइक, दबा के शेयर बिना दबाए, कॉमेंट करिए कीबोर्ड दबा के, हाँ, और सब्सक्राइब करिए दबा के ही। ओके टेस्ट देखते रहिए। आई लव यू यार। मखमली कुर्ते पे छीट तू लगाई ले।